आज संडे पढ़ाते पढ़ाते मैं भी थोड़ा सा बोर हो गया था, तो सोचा कि चलो अपना थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करते हैं। सबके अपने रिलैक्स करने के तरीके होते हैं, किसी को घूमना पसंद है, किसी को मूवी देखना पसंद है, किसी को गाना सुनना पसंद है, मुझे घूमना पसंद है। और आज पता है पूरे कैंपिंग सेटअप के साथ, फुल सेटअप के साथ हम लोग आए थे, बट कुछ हुआ नहीं, आज का दिन बेकार हो गया। जगह ककोलत वाटरफॉल बहुत ही फेमस जगह है, लेकिन एकदम से ना गड़बड़ हो गया। अब कहोगे क्या गड़बड़ी हुई, ओवर क्राउडेड, एक तो इतनी गर्मी, हमको लगा कि चलो आएंगे कुछ नहाएंगे अच्छा लगेगा, बट ये ओवर क्राउडेड है, इतना पहले नहीं हुआ करता था। मैंने पता भी लगाया तो पता चला कि नहीं, ये जगह जो है ना, अब पहले तो ठीक था, अब जो है बहुत यहाँ पे भीड़ होती है, तो ओवर क्राउडेड होने की वजह से हम लोग एकदम ही एंजॉय नहीं कर पाए। और बहुत कुछ लेके आए थे, लाइक खाना बनाएंगे, खाएंगे, एक आज संडे को अच्छे से बिताएंगे, बट ये हो नहीं पाया कपड़े से, बट ये हो नहीं पाया। खैर इसको बढ़ा, लेकिन अब जाते जाते कुछ ना कुछ तो करना था, तो बैठ के हम लोग मैगी बनाए। अब इस कुर्सी को देख के समझ में आ रहा होगा ये कैंपिंग सेटअप के साथ ही आए होंगे, ये कुर्सी इसका सबसे बड़ा प्रूफ है, मेरे पास कैंपिंग के सारे सेटअप हैं। तो खैर, तो हुआ क्या कि काम तो बना नहीं, अब सोचे कि एटलीस्ट कम से कम मैगी तो बना लेते हैं। और ये जो गैस सिलेंडर आया, मुझे नहीं लग, पता नहीं कितना साल पुराना होगा, बट उन दिनों की याद दिलाती है जिन दिनों में आज आप हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी मैं पढ़ा के आप लोग पढ़ के, हर आदमी अलग अलग तरीके से, मतलब एक पूरे वीक जब देता है या पूरा मंथ देता है तो अलग अलग तरीके से वो थक जाता है, एक स्ट्रेस आ जाता है। तो आपको भी जो पसंद है ना, एटलीस्ट कीजिए उसको, वीक डे में एक डे रखिए, या तो वीकली एक रखिए, 15 दिन पे एक रखिए, कम से कम 15 डेज पे एक दिन आपका होना चाहिए, वो छुट्टी का दिन होना चाहिए, जहाँ आप अपने अकॉर्डिंग गाना सुन सके, मूवी देख सके, जो भी करना हो कर सके, तो वो आपके पास होना चाहिए। तो इस मतलब ये इसलिए होना चाहिए कि वो आपको फ्रेश करता है। जैसे मैं यहाँ पे आया, ठीक है ककोलत वाटरफॉल में नहा नहीं पाए, बट एक स्ट्रेस फ्री माहौल में गपशप मारते हुए, गर्मी तो काफ़ी है लेकिन तब भी ठीक लग रहा है, तो उस हिसाब से ठीक है। ठीक है, उस हिसाब से जो है ना, मतलब इसीलिए कह रहे हैं कि जब भी कभी मौका मिले स्ट्रेस फ्री होने की कोशिश कीजिए। और मैगी कभी हम लोग भी मिलके खाएंगे, कभी चलेंगे साथ में, कभी प्लान बनाएंगे तो हम लोग भी मैगी मिलके खाएंगे, बट कोशिश करो कि अपने रेगुलर काम के साथ साथ कुछ टाइम निकालिए, क्योंकि ये जॉब करने वाले भी नहीं निकाल पाते और उसके कारण बहुत सारा तनाव होता है। क्या करना है, लाइफ बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। मैंने इसके पहले ही बोला है ना, एक वीडियो बनाया था आपके लिए कि ज़िंदगी कितनी छोटी है, कितनी देनी है ये आपको तय करना है। ये कितनी देनी है सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए नहीं, आप अपने जिस भी प्रोफेशन में, आप भले स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, आप IT में काम करते हैं, वहाँ पर भी आपको कितना देना है और कितना अपने लिए निकालना है ये आपको पता होना चाहिए। लाइफ मैनेजमेंट इसी को कहते हैं। तो मैं मैगी खाता हूँ, एंजॉय करता हूँ, और कल मिलते हैं हम लोग फिर उसी क्लास के दरों दीवारों के बीच में से मिलते हैं। चलिए।